नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे शनिदेव मकर राशि को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंतर्गत गोचर करते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 2.5 साल तक यानी 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो शनि की चाल में आए परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो शनिदेव 30 वर्षों के पश्चात अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने वाले हैं और वैदिक ज्योतिष में शनि को एक विशेष ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का, यानी वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं और संचित कर्मों का उचित न्याय और लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, सभी प्रकार की नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही प्रभाव रहता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। शनि की चाल सबसे मंद होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शनि शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो काफी लंबे समय तक देते हैं, वहीं अगर अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो भी काफी लंबे समयावधि तक शनि का अशुभ प्रभाव रहता है। समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा बना दी गई है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनि यदि जन्म कुंडली पर शुभ स्थितियों में हो, बली स्थितियों में हो, उच्च के हों, तो जातक को रंग से राजा भी बना देते हैं। शनि बली हो तो जातक आर्थिक रूप से मजबूत होता है, ऐसे जातक के अंदर धैर्य और स्थिरता काफी ज्यादा बनी रहती है, आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है। शनि बली हो तो जीवन में, पारिवारिक जीवन में स्थितियां अनुकूल बनती है, ऐसा जातक न्यायप्रिय कर्मठ भी होता है। शनि बली हो तो बड़े पदों पर जाने के लिए अवसर मिलते हैं और जातक बड़े पदों पर आसीन भी हो सकता है। वहीं जन्म कुंडली पर शनि यदि कमजोर और पीड़ित स्थितियों में हो जाएं, खराब स्थितियों में हो जाएं, तो कई प्रकार के समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि यदि पीड़ित हो जाएं तो वायुजनित रोग, पेट के रोग दिखाई देते हैं, गठियापाद की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की जैसी समस्या, ये शरीर में सभी बीमारियां दिखाई देती है। वहीं शनि के पीड़ित होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की दुर्घटनाओं और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग भी बनता है। तो जब भी शनि जन्म कुंडली पर खराब स्थितियों में हो या नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों, तो शनि जन्य उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं है तो फिर आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताया जाए तो शनि आपके आयु भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर दिनांक 17 जनवरी को आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राशि के नवम भाव से शिक्षा, भाग्य,
हायर एजुकेशन के बारे में, पितातुल्य लोगों के बारे में, यात्राओं के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। शनि आपके नवम भाव पर गोचर करके अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखने वाले हैं, वहीं दशम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को देखने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का यह परिवर्तन विशेष बदलाव लाने वाला है। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आपका मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, जिससे यदि आप नौकरी पेशा हैं या व्यावसायिक जीवन में जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। निरंतर प्रयासरत जातकों को कर्म क्षेत्र में नई नई संभावनाएं देखने के लिए मिलने वाली है। भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए भी मिलने वाला है। यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं और पूर्व के समय से ही किसी प्रकार का नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी नए जॉब की तलाश में हैं, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन में आर्थिक उन्नति होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। कई कार्यों से आप धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। राजनीतिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो अच्छे पदों पर जाने के अवसर भी आपको मिलने वाला है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और यदि आप लॉयर हैं, तर्कशास्त्री हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, टीचिंग लाइन में या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो भी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ी बुलंदियों पर ले जाने के लिए समर्थ है। मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी देखने के लिए मिलने वाला है। राशि के रोग भाव पर जा रही शनि की दृष्टियां किसी प्रकार की गंभीर बीमारियों से आपको बचाने वाली है, यानी गंभीर किसी प्रकार की शारीरिक समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं, तो इस दौरान आपको कुछ विशेष सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में सबसे पहली सावधानी, हड़बड़ाहट में कोई नवीन कार्य यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही कार्यों का चयन करना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक सेहत के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए और इस दौरान आपको कहीं यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं, तो सावधानी आपको रखनी चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों के लिए भी सावधानी रखनी चाहिए और वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो व्यर्थ के वाद विवाद जैसी स्थितियां निर्मित ना होने पाए, यह भी सावधानी आपको रखनी चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को नकारात्मक मित्र मंडलियों से बचना चाहिए, नकारात्मक व्यक्तियों से आपको बचना चाहिए। और सेहत के मामले में यदि आप श्रेष्ठता चाहते हैं तो शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे चीजों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है या जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट यदि खराब बनी हुई है तो मिथुन राशि वाले जातकों को 17 जनवरी से यह उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। शनि को अनुकूल और मजबूत करने के लिए
नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन यदि आप काली चीजों का दान करते हैं, जैसे काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प, इन चीजों का यदि आप जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। शनि को अनुकूल और मजबूत करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का नुकसान करने से बचें तो संभावना बेहतर बनेगी। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।